आज गोड्डा के हरेक थाना क्षेत्र में गोड्डा पुलिस द्वारा कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। ऐसे में सभी थाना क्षेत्र में कहीं किसी भी प्रकार का कोई विवाद या किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसक या भड़काऊ पोस्ट करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अधिसूचना आ गया है। इसके साथ वहीं मुफसिल थाना प्रभारी कुमार गौरव ने बताया कि गोड्डा पुलिस द्वारा हर एक सोशल मीडिया हैंडल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी अगर कोई हिंसक या भड़काऊ पोस्ट करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर तिवारी ने बताया कि महागामा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ अनुमंडल क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उन्हें पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। सर, अचानक सड़कों पर इतनी सारी पुलिस, क्या बात है सर? ये अचानक नहीं है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, यस सर। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है, जिसको लेकर पुलिस भी फ्लैग मार्च कर रही है कि सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, विधि व्यवस्था बनाए रखें और सब चीज शांतिपूर्ण ढंग से हो। अच्छा, असामाजिक तत्वों के लिए क्या कुछ विशेष निर्देश है सर? असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है, कोई भी असामाजिक कार्य करते पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया वगैरह पर क्या कुछ है? सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाए हुए है, कहीं से भी कुछ ऐसा आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, और अलग अलग जगहों पर सर ये निकाली जा रही है शोभा यात्रा वगैरह निकाली जा रही है, तो उसमें क्या कुछ परमिशन वगैरह लेने की आवश्यकता है? सभी जगह में पुलिस है, पुलिस के देखरेख में ही हो रहा है और किसी को भी जुलूस निकालने का आदेश नहीं है। बिना अनुमति का तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू। वर्तमान में भी जहाँ पर संभव है आपको सीसीटीवी का उपयोग करें मंदिर में, अगर शोभा यात्रा निकाल दे उसका अनुमति पूर्व अनुमति आप ले लें। मुख्य मार्ग से ही आपको शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा निर्देश हम लोग को प्राप्त है। कोई भी ऐसा डीजे में भड़काऊ गाना न चलाए, गीत न बजाए जिससे कि किसी अन्य संप्रदाय को आहत पहुंचे, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। कोई भी